फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्पेशल प्रोग्राम। वेल, आज स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो फिल्म प्रमोशन के लिए और इवेंट्स के दौरान उनका हर जगह आना जाना लगा ही रहता है। अब आने जाने की बात करें तो पब्लिकली उनकी सिक्योरिटी का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, उनको देखकर उनके लिए उनकी पब्लिक की जो सिक्योरिटी है वो बड़ी ही टाइट कर दी जाती है। लेकिन इतनी पब्लिक सिक्योरिटी होने के बावजूद ये सितारे हैं वो एक गंभीर हादसे का शिकार हो जाते हैं, और जिसके बाद इनको लेकर इतनी भयानक खबर आती है कि लोगों का दिमाग घूम जाता है कि आखिरकार उनके फेवरेट सेलिब्रिटी को क्या हो गया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे हेमा मालिनी के बारे में, तो एक कार एक्सीडेंट, जो आप सभी को याद होगा कि कार एक्सीडेंट में कैसे उनकी आंख में चोट लग गई थी। जी हाँ, उनके कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ हेमा मालिनी ही नहीं, बॉलीवुड के ऐसे तमाम सितारे हैं जिनको इस भयंकर हादसे से गुजर के जाना पड़ा, जहाँ इनकी जान जाते जाते बची है। आज हम इन्हीं बॉलीवुड सितारों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से बॉलीवुड सितारे हैं। बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को लेकर पब्लिकली बहुत ही सतर्क रहा जाता है। जी हाँ, उनका आना जाना, वो कब उठते बैठते हैं, उनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है कि गलती से भी उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन इतनी कड़ी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद, इतने सतर्क रहने के बावजूद इन्हें कई हादसों का शिकार होना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसे बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं जो यकीन जब कोई सुनता है तो उसका दिल और दिमाग दोनों ही हिल जाता है कि आखिरकार उसके फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ ये क्या हो गया। आज हम आपसे ऐसे ही सितारों के बारे में रूबरू करेंगे कि आखिरकार वो बॉलीवुड के कौन से सितारे हैं जो इन बड़े हादसों का शिकार हुए हैं, जिनकी जान पर तक बनाई थी, लेकिन फिर भी वो आज हमारे बीच मौजूद हैं और खुश हैं। बता दें कि साउथ एक्टर और बॉलीवुड में साइड रोल करने वाले एक्टर सोनू सूद एक बार सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। इस दौरान वो अपनी कार से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी कार में एक आग लग गई और सोनू ने तेजी दिखाई और वो कार से कूद गए। बता दें कि ये आग बहुत तेज लगी थी, अगर सोनू सूद उसमें जरा सी भी देरी लगा देते उस कार से कूदने में तो शायद एक भयानक हादसा हो जाता। लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें भयानक हादसे से वो बच गए। बता दे कि सोनू सूद जहां अपनी पर्सनालिटी को लेकर बॉलीवुड में जाने जाते हैं, उनकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। चलिए अगला नाम आपको बताते हैं, वो है प्रीति जिंटा का। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा जो कि कह सकते हैं कि उनको एक बार जीवन दान मिल चुका है। बता दें कि जब वो थाईलैंड में छुट्टियां मना रही थी तो वहां पर सुनामी आ गई और वो सुनामी में पूरी तरह से फंस गई, लेकिन फिर वो किसी तरह वहां से बाहर निकली और उनको एक जीवन दान मिल गया। प्रीति जिंटा के हाल फिलहाल के करियर की बात करें तो फिलहाल तो प्रीति जिंटा पूरी तरह से फिल्मों से दूर हैं, और साथ ही साथ प्रीति जिंटा अभी फिलहाल अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। जी हाँ, और फिल्मों में को लेकर बात करें तो अभी एक प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार वो कौन से प्रोजेक्ट पे नजर आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नाम आपको बताते हैं, अगला नाम है बॉलीवुड के नवाब यानी सैफ अली खान का। बता दें कि बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले सैफ अली खान की फिल्म क्या कहना एक सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसमें वो प्रीति जिंटा के अपोजिट थे।
बता दें कि सैफ अली खान फिल्म क्या कहना की शूटिंग के सेट पर तब घायल हो गए जब उनके सिर पर पत्थर आकर लग गया था। जी हाँ, उनके सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनके सर पर टाकी तक लगाए गए थे। इस हादसे पर सैफ ने कहा था, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हादसा है, इस दौरान मेरे साथ कोई नहीं था, डायरेक्टर भी बीमार होने की वजह से मेरे पास नहीं थे। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब वो इस हादसे को याद करते हैं उनका पूरा दिल और दिमाग हिल जाता है, क्योंकि वो हादसा यकीनन एक भयंकर हादसा साबित हुआ था। वल चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अगला नाम किसका है। वल अगला नाम है, बात करेंगे मदर इंडिया, जो कि एक टाइम पर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। जी हाँ, मदर इंडिया फिल्म आज भी लोगों के जुबान पर चढ़ी है। इस फिल्म में नरगिस के किरदार को काफी पसंद किया गया था और नरगिस इस फिल्म से एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई थी कि हर कोई उन्हें फॉलो करना चाहता था। बता दें कि फिल्म मदर इंडिया के सेट पर नरगिस के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। दरअसल बात करेंगे कि फिल्म के एक सीन में एक्ट्रेस नरगिस आग के बीच फंस जाती है। इसके बाद फिर नरगिस के बेटे का रोल करने वाले एक्टर सुनील दत्त अपनी जान पर खेल कर नरगिस को बचा लेते हैं। जी हाँ, इस हादसे के बाद दोनों की असल लव स्टोरी शुरू हुई थी। वेल, तो अगला जो नाम है वो है बेबी डॉल, जी हाँ, सनी लियोन का। बात करें सनी लियोन के बारे में, तो सनी लियोन और उनके पति प्लेन क्रैश में हो गया था, जहां उनकी जान जाते जाते बची थी। आपको बता दें कि सनी लियोन इस जानलेवा हादसे का उन्होंने सामना किया, लेकिन किसी तरह पायलट ने उन्हें सही सलामत घर वापस लौटा दिया। और साथ ही साथ जब सनी लियोन को लेकर ये खबर आई तो हर जगह मानो भूचाल सा मच गया। लेकिन फाइनली जब सनी लियोन को लेकर ये खबर आई कि वो ठीक है, पूरी तरह से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तब उनके फैंस और उनके चाहने वालों की जान में जान आई कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस बच गई है और इस बड़े हादसे का शिकार होते होते। तो ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की उन बॉलीवुड सितारों के बारे में कि कैसे उन्हें गंभीर चोट का सामना करना पड़ा। जी हाँ, हेमा मालिनी से लेकर जॉन इब्राहिम, वो तमाम ऐसे सितारे हैं जो आपको पर्दे पर एक्ट करते हुए देखते होंगे, और साथ ही साथ वो दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि बायोपिक में नज़र आते हैं या अलग अलग किरदारों में नज़र आते हैं। सोचिए, रियल लाइफ से हटकर जब उनकी रियल ज़िंदगी में ऐसा होता है, जब वो इन भयानक हादसे का शिकार होते हैं, तो कितना गहरा असर पड़ता है उनके फैंस पर, सेलिब्रिटीज़ पर। और ख़ास करके जब ऐसी खबरें आती हैं कि किसी सेलिब्रिटी को चोट पहुंच गई है, तो वाकई वो खबर सनसनी मचा देती है। तो ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको बताया उन सितारों के बारे में, जो सितारे जिनकी जान जाते जाते बची है एक भयानक हादसे के दौरान। कल फिर लेकर आऊँगी एक ऐसा ही स्पेशल प्रोग्राम, लेकिन अगर आप कुछ अलग जानना चाहते हैं या आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए बताएं और हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। कमेंट के अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने नेम और नंबर के साथ। मेल करें nextnoinnewscomment@gmail.com पर और इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।